अभी एक बहुत बड़े मिशन में जा रहा हूँ मैं, रायपुर जा रहा हूँ, घर खोजने के लिए जा रहा हूँ। घर खोजना मिशन नहीं है, मिशन ये है कि सारी रात मेरे को बस में ट्रैवल करना है, और बस में बैठते ही मेरे को आती है सुसु। बड़ा नर्वस हो रहा हूँ कि मैं बस में कैसे यात्रा करूँगा। बाइक में जाना चाह रहा था लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है। गोलू और ज्योति बहुत प्रसन्न है, क्यों प्रसन्न है? रायपुर जा रहे हैं। लेकिन मेरा जो प्रिय मित्र है वो दुखी है। भाई तू क्यों दुखी है? मैं तो आते रहूँगा, आते रहना यार तू। मैं तो जब मन करेगा आ जाऊंगा, तू जब मन करेगा बाइक उठा के आ जाएगा। लेकिन रोज रोज मिलना तो नहीं हो पाएगा, वीडियो कॉल में बात करेंगे। वीडियो कॉल में तो बात नहीं, तो अब होगा। रोज रोज जो मिलते थे ना हम लोग 10 मिनट के लिए, अब वो 10 मिनट के लिए नहीं मिलेंगे। जब मिलेंगे ना तो अपन सीधा थोक में राइड वाइड में मिलेंगे, है ना? तो जितेन मेरे को बस बैठाने के लिए जा रहा है। इंट्रो करना तो भूल ही गया दोस्तों। नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी, ज्योति जयपुरी, जितेन कुमार अग्रवाल और आप सबका स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आता हूँ ज्योति ना। हाँ ठीक। आता हूँ बेटा ना। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये है बाग बहार का सुनसान बस स्टैंड, जहाँ पे अभी हमारी बाइक नहीं है यार, बाइक कहा जाता है, बस आने वाली। 9:15 बज रहे हैं, 9:30 बजे की बस है। हम लोग बस का वेट कर रहे हैं और माहौल थोड़ा सा अभी दुखी सा है। तकलीफ भरा माहौल चल रहा है। ये बेटा मेरे को छोड़ के जा रहा है, रायपुर ही तो जा रहा हूँ। 300 किलोमीटर है, बाइक उठा के उड़ा तो के बाल कटाने भी बाग बाहर आना। तू बाल कटाने भी मैं बाग बाहर आऊंगा, चल प्रॉमिस रहा। हाँ, मेरा प्रॉमिस कर, और बस में आने के नाम से नाटक मत करना तू। ओके भाई, ज्यादा बस में आने का मन नहीं करेगा तो बाइक में आ जाऊंगा। 300 किलोमीटर को तो 30 किलोमीटर मान के चल। वही तू भी मान के चल। मैं मान के चल रहा हूँ। और वीडियो कॉल का भी तो जमाना है। वीडियो कॉल का भी जमाना है। अब जब दूरियां बढ़ जाती है ना तो प्यार भी बढ़ता है भाई, जान रहा है कि नहीं? जान रहा। भौजी मैक के जाती है फिर आती है तो बढ़ा रहता है कि वैसा ही होगा भाई। हम लोग के साथ भी बहुत दिन बाद मिलेंगे तो और ज्यादा प्रेम रहेगा। और ज्यादा प्रेम रहेगा। कुछ दिन बाद निकलना है यार, चल थोक में थोड़ा ढंग का लगेगा। हाँ, प्लानिंग हमारी तसल्ली बचा हुआ है। प्लानिंग ऑलमोस्ट 90-95% हो चुकी है कि एक महीने के अंदर हम लोग एक तबाही वाला टूर करेंगे, राइड करेंगे। सस्पेंस है, आप लोग गेस करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। लगभग 15-20 दिन के लिए जा रहे हैं तो अब आप लोग गेस करिए। बस वहाँ पे खड़ी होएगी। चल भाई देख के जाना। ओके आता हूँ। ठीक है फिर। ओके ओके। मैं अभी पहुँचा हूँ सरायपाली। अभी 3:45 बज रहे हैं और लगभग 6:30 बजे बस पहुँचेगी रायपुर। मैं जब तक पानी बॉटल भरने के लिए उतरा हुआ था और खुद को खाली करने के लिए उतरा हुआ था और बस बैठ गया हमारी। पहुंच गया मैं रायपुर। कृतेश भाई बहुत तेजी से पहुंच रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ना बड़ी अच्छी हो गई है, गूगल मैप्स, व्हाट्सएप, लाइव लोकेशन। जब मोबाइल फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, अगर किसी मित्र को ढूंढना है तो बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अभी मोबाइल है, लोकेशन शेयर करो तुरंत एक दूसरे का पता चल जाता है। अब अच्छा लगा नहाने के बाद में, बढ़िया मस्त फ्रेश फील हो रहा है। आज का जो मिशन है वो ये है कि आज मेरे को एक रायपुर में सुंदर सा प्यारा सा घर ढूंढना है। तो क्राइटेरिया है वो है कि यह है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में ना हो और बहुत ज़्यादा दूर भी ना हो शहर से, बहुत ज़्यादा महंगा भी ना हो, मतलब थोड़ा सा अभी हम लोग जिस घर में रह रहे हैं उससे थोड़ा सा अच्छा हो। अभी जिस घर में हम लोग रह रहे हैं उसका रेंट है 2,000 रुपये और मेरा जो बजट है लगभग 4,000 से 6,000 के बीच में मेरे को रूम ढूंढना है, घर ढूंढना है, फ्लैट ढूंढना है। 1 BHK भी चलेगा, 2 BHK अगर मेरे को मेरे बजट में मिल जाए, सही लोकेशन में मिल जाए तो फिर क्या बात है। भाई मैं व्लॉग चालू कर रहा हूँ, तू नंगा हो रहा है। ये तो मैं डालूंगा भाई, ये तो मैं पक्का डालूंगा, मजा आ गया। नहीं नहीं, थंबनेल में डालूंगा। अरे नहीं, केके राइडर नंगा हो गया।
तो कृतेश भाई भी शानदार तरीके से नहा के ब्लू जींस और व्हाइट शर्ट पहन के बाबू बन गए हैं। बाबू बाबू मतलब यहाँ पे छत्तीसगढ़ी में बाबू मतलब स्मार्ट हैंडसम लोगों को बाबू बोलते हैं। तो अभी कृतेश भाई के साथ में जा रहे हैं हम लोग घर देखने के लिए, एक जगह एक लोकेशन पे। मोस्ट वेलकम आपका हमारे चैनल में, और आप भी मेरे को मेरे आपके चैनल में ले लीजिएगा, फिर शाउट आउट दे दीजिएगा मेरे को भी। क्या भैया क्या उड़ा रहे मेरी उड़ा नहीं रहा हूँ भाई, मेरा चैनल डप हो गया है अभी। मेरा तो भाई लोग ना मेरे से प्यार करना बंद कर दिया, आजकल लाइक वाइक भी नहीं करते हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं और बॉडी भी बना रहा हूँ, बॉडी भी बनाने वाले हैं, स्किन भी अच्छा हो गया। रायपुर शिफ्ट होने के बाद तो जिम भी जाएंगे। हाँ यार, उसके बाद फिर बल्किंग हैंडसम दिखेंगे। मेहनत कर रहे हैं उस पर तो लाइक बनता ही है। थैंक यू, तो चलते हैं। तो अभी अभिषेक भाई की नज़र में है दो चार फ्लैट, तो वो देखने के लिए जा रहे हैं हम लोग। चला जाए। आखिरकार मेरे को मेरे बजट में मेरे पसंद का घर मिल ही गया, और अभी अभी मैं ज्योति को दिखाने वाला हूँ। देखते हैं, अब मेन फाइनल डिसीजन गृह मंत्री का है। गृह मंत्री और गोलू दोनों हैं यहाँ पे। तो अभी तुम लोग, तुमको ये घर दिखा रहा हूँ, पसंद आएगा तो इसको डन करेंगे ना। ये गेट है, मेन गेट है ना, ये पोर्च भी है छोटा सा यहाँ पे, इसमें मच्छर वाला भी गेट है, खिड़की में भी मच्छर वाला जाली लगा हुआ है। और ये अपना हॉल हो गया बैठने बैठने के लिए, और हॉल के साथ में लगा हुआ हमारा ये बाथरूम, काफ़ी बड़ा बाथरूम है। और ये है बेडरूम, और बेडरूम में भी एक खिड़की लगा हुआ है, पंखा भी है कॉम्प्लीमेंट्री। फिर सामान वामान रखने के लिए ये सेल्फ है बढ़िया। उसके बाद ये है अपना छोटा सा किचन, किचन में भी खिड़की लगा हुआ है, बढ़िया फ्रेश हवा आते रहेगा, अभी भी हवा आ रहा है। और ये नल लगा हुआ है जिसमें 24 घंटे पानी आएगा, और इसमें 2 घंटे आएगा पीने का पानी। और नीचे यहाँ पे गैस सिलेंडर रखने के लिए वो सिंक है, यहाँ पे चावल और राशन वगैरह रखने के लिए। और हम लोग, मेन बात ये है कि हम लोग के बजट में है। तो इसको डन करते हैं, बुक करें। तो भाइयों, आज का मिशन सक्सेसफुल हुआ, हमारे गृह मंत्री और गोलू को घर पसंद आया तो बुक किया जाए। और तो ज्योति देखो, यहाँ पर का दीवार वगैरह भी कितना अच्छा है, मेरे को अपना वीडियो बनाने में कितना मस्त होगा, तुमको भी टिकटॉक बनाने के लिए मस्त हो जाएगा। अच्छा है ना, मजा आ जाएगा ना। ठीक है, तो डन करूँ ना। ठीक है, चलो रखता हूँ भाई। अभिषेक, ये वाला घर ना एक नज़र में पसंद आ गया, एक नंबर है भाई, बजट भी अच्छा है। बजट मेन तो है कि बजट में आ गया, और मेन एरिया भी अपने को सेफ लग रही है। हाँ, एरिया भी सेफ है। तो फिर से गृह मंत्री का फोन आ रहा है, देखते हैं क्या बोल रही हैं। तो भाइयों, आज का हमारा मिशन कंप्लीट हुआ, अब मैं घर निकल सकता हूँ। देखते हैं घर जाने का क्या जुगाड़ होता है, या तो नाइट बस में जाऊँगा, या तो अभी ट्रेन वेन पकड़ के निकल लूँगा। नहीं, कुछ और प्लान है, वो चलना है, मैं जाने नहीं दे रहा। खुशी की बात ये है कि अब रायपुर में मेरा भी एक परमानेंट एड्रेस हो गया, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करना हो तो अब डायरेक्ट मेरे एड्रेस पे आ सकता है। अभी तक जो भी सामान वगैरह मंगाता था भाई के एड्रेस पे मंगाना होता था, और भाई बस में मेरे पास भेजते थे। तो घर का एडवांस पेमेंट वगैरह सब कर दिया हूँ, अभी जाके लगाना है वहाँ पे अपना ताला और लेना है चाबी। अभी हमारी सवारी है ये खूबसूरत सी थंडरबर्ड। अभिषेक भाई के साथ में, कृतेश भाई के साथ में घूमते घूमते पता ही नहीं चला कि कैसे शाम के 6:12 हो चुके हैं, और अभी 8 बजे की बस है। अभी यहाँ पे घर पे आए हैं हम लोग, मेरे घर पे ताला लगाने के लिए, मेरे ज्योति गोलू के घर पे ताला लगाने के लिए। और ये घर अब फाइनल हो चुका है। तो मैं चिंतामणि जयपुरी, कैमरामैन कृतेश, के के राइडर और अभिषेक के साथ ताला लगते हुए, बधाई हो। ये चाबी अब मेरी जेब में, मतलब रायपुर का
रायपुर में एक घर, मेरा शहर में शिफ्ट होने का मेरा सपना है, ये आज पूरा हो रहा है। आने वाले एक आध हफ्ते में हम लोग एक हफ्ते के अंदर जितना जल्दी हो सके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और ये जो सपना है मेरा 2001 से है, जब मैं बिलासपुर में पढ़ाई कर रहा था उस समय से है। उस समय से मैं सोचा करता था कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मैं रायपुर में शिफ्ट हो जाऊँ, तो वो अपॉर्चुनिटी आज मिली है आप लोगों के कारण। ये मतलब 18 साल पुराना मेरा सपना पूरा हो रहा है अभी, तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मैं कितना प्रसन्न हूँ। इसी बात पे आज का व्लॉग यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। और ये घर ढूंढने में मेरा हेल्प करने के लिए कृतेश भाई, अभिषेक भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत। तो एक बार और हमारा घर देख लीजिए, ये रहा हमारा घर।